अगर तमाम इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे होते हैं तो इस वक्त जो एक वहशत बरबरीय जा रही है फलस्तीन में, उसे शायद रोकने में मदद मिल सके। देखिए, वो सिविल इस रिटेलिएशन के लिए तैयार थे क्योंकि उनकी जो एक स्ट्रेटजी बिल्कुल वाजे तौर पे अब नज़र आती है वो ये कि उन्होंने होस्टेज लिए और वो होस्टेज लेकर वो वापस, जिसमें सिविलियन होस्टेजेस भी हैं और मिलिट्री होस्टेजेस भी हैं, और उनको वापस लेके गजा में आते हैं और उसी को वो अपनी बारगेनिंग चिप देखते हैं। और अगर इसराइल गलती करता है, मैं लफ्ज़ गलती का इस्तेमाल कर रही हूँ, टू एंटर गजा फॉर अर्बन वॉरफेयर, तो अफगानिस्तान में तो अमेरिका क्या फंसा था जो इसराइल गजा में फंसे। तो मेरे ख्याल है क्योंकि उनका एक नेटवर्क है, टनल नेटवर्क है उनके पास, और वो इस बॉम्बिंग की उनको आदत है। आजकल तो ये मीडिया पे आपको कहीं कहीं नज़र आ जाती है, कुछ चैनल्स हमें फॉर एग्जांपल टर्किश टेलीविजन ने वो कवरेज की और दिखाया लेकिन उनको इसकी आदत है, उनके साथ ये जुल्म तवातुर के साथ हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने समझे, जब उन्हें लगा कि जो उनके ट्रेडिशनल अलाइज थे वो भी अब एक कन्वर्जेंस में जा रहे थे इसराइल के साथ, पहले इब्राहिम अकॉर्ड्स हुआ, फिर ये अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब की एक कन्वर्जेंस होने जा रही थी, तो पैलेस्टाइन और इसराइल के लिए ये तो तकरीबन अपने आप को बचाने के लिए आखिरी हरबा था, क्योंकि वो उनकी रेजिस्टेंस जो थी, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, वो इररेलेवेंट होती जा रही थी, उसके सपोर्टर्स ख़त्म होते जा रहे थे। और 50 साल से इसराइल ने ऐसी कोई रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं की, और इसीलिए आपने देखा कि इसराइल वो स्कॉट नैपिंग बहुत कंफर्टेबल हुआ हुआ था, इसराइल एक कंफर्ट जोन में था, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जाके काम कर रहा था जहाँ वो अपने आप को मनवा ले। वो इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि इस तौर का हमला हो सकता है। आके वो कहते हैं, हमें कुछ खबरें थी इस हवाले से, लेकिन सवाल ये है कि फिर प्रिवेंट क्यों नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक डू ऑर डाई सिचुएशन है, सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, में एक और बात आपके गोश गुजार कर दूँ, जब दुनिया मल्टीपोलर हो रही होती है तो बड़ी जंगों का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो आपने इस वक्त देखा कि चाइना अपना वजन पैलेस्टाइन के पीछे डाल रहा है। जी हाँ। वो हमास को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो इसराइली इनजस्टिस की बात करता है, वो सिस्टम की इनजस्टिस की बात करता है। द सेम इज ट्रू फॉर रशिया। तो ये तमाम बातें इस चीज़ की अकास हैं कि ये जंग फैल भी सकती है और बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। एंड सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, औरतें बच्चे मर रहे हैं, भूख से मरेंगे और अब पानी ना होने की वजह से मरेंगे, तो अगर इस दुनिया में किसी किस्म का भी कोई इंटरनेशनल लॉ है तो उन्हें या तो अपना बसात लपेट देनी चाहिए या इस हवाले से कुछ करना चाहिए। जैसा कि उमर साहब आपने कहा कि औरतें और बच्चे जो कि बिल्कुल बेकसूर हैं, वो बेचारे कहीं खुराक, कहीं पानी की किल्लत से और फिर ज़ख्मी होने से, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, क्योंकि अदविया की भी उतनी किल्लत है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि दूसरी जंग अजीम के बाद से इसराइल सबसे ज़्यादा अमरीकी वसाइल हासिल करने वाला मुल्क है, और अमा साल भी अगर हम मार्च में शाया होने वाली एक अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट देखें, ज़्यादा पावरफुल लॉबी है अमरीका में, वो ज़ियोनिस्ट लॉबी है। जो नंबर्स हैं वो तकरीबन मुसलमानों के और ज्यूस के नंबर्स अमेरिका में बराबर है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, बट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस तो कोई उनको मैच नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मीडिया पर 5 हाउसेस का कंट्रोल है, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर ज्यूस, उनके फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स पर, बैंकिंग सेक्टर पर जिनका कब्ज़ा है वो ज्यूज हैं, पॉलिसी मेकिंग में ज्यूज का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट वाइट हाउस पहुंचने की सोच नहीं सकता अगर उसको ज्यूइश लॉबी की मदद हासिल ना हो। बिल क्लिंटन ने बात करने की कोशिश की थी, नॉट सॉरी बिल क्लिंटन, कार्टर, जिमी कार्टर, एक किताब भी उन्होंने लिखी थी मिडल ईस्ट का अपार्थाइड, तो तकरीबन उन्होंने उनका नाम ही समझिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया, उस किताब को बल्क तौर पे उठा लिया गया था बुक शॉप से। वो वहाँ पे कोई डिसेंट नहीं, ज्यूइश लॉबी
को वहाँ अमेरिका में ना काउंटर किया जा सकता है ना उसके खिलाफ बात की जा सकती है. वो खुद कहते हैं द टेल वैग्स द डॉग, मतलब जो टेल है जो छोटी है जो ड्यूज हैं दे वैग दैट, पूरे अमेरिका को वो टेल हिलाती है. सो ये तो क्लीशेड है दैट द टेल वैग्स द डॉग. अच्छा एक और सवाल आपसे कि आलमी मईशत पर इस जंग के आप क्या असरात देख रही हैं? जब भी इस खत्ते में कोई बहरान पैदा हुआ है जैसे कि 1979 का इंकलाब ईरान हमें याद है या फिर 1991 में इराक की जंग, तो तेल की कीमत में इजाफा हुआ था, दुनिया की मईशत मुतासर हुई. सारी जो कोलैबोरेशंस हो रही थी मिडिल ईस्ट में वो ही रुक गई हैं. ऑयल प्राइसेस 4% मेरे ख्याल श्रगप की थी और श्रगप हो सकती हैं. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए.